आज ही आपके पास। मैं स्टडी मटेरियल चाहिए। हाँ शेयर कर सकते हैं। हेलो प्रशासनिक अधिकारी हूँ एवं आरहण वितरण अधिकारी हूँ, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में आप सबका स्वागत है। 15 अगस्त के अपने संभाषण में माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अगले 25 साल का लेखा जोखा, मतलब भविष्य में हम लोग अमृत महोत्सव कैसे मनाएं, ये प्रस्तुत किया था। अमृत महोत्सव मनाते समय उन्होंने उम्मीद की थी कि 25 साल बाद हमारा भारत एक विश्व का उच्च कोटि का देश बने, और इसमें ये बनने के लिए, उच्च कोटि का देश बनने के लिए हमें अपने संसाधनों को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, और संसाधनों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, और ये धन एकत्रित करने में कर के मार्फत में आपका और हमारा डिपार्टमेंट बहुत ही महती योगदान देता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के लिए, कर को बढ़ाने के लिए उच्च क्लास वन और जो क्लास वन के अधिकारी और ग्रुप सी के अधिकारियों के बीच की कड़ी हैं ये प्रशासनिक अधिकारी और आहरण वितरण अधिकारी। जितना भी धन का लेन देन होता है सरकार का, जिस तरीके से पैसा रिलीज होता है या पैसा आता है खातों में, उसके उस कड़ी को, उस कार्य को संपन्न करता है DDO। आप में से कई लोग DDO का रोल भी अपने अपने ऑफिस के लिए निभा रहे होंगे, तो उसके पहले हम लोग, आप लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपके अपने अपने क्या कार्य हैं इसको हम लोग जान लेते हैं, इन कार्य सूचियों का ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमको प्रोवाइड कराया है आपकी ही एसोसिएशन ने। आपके प्रशासनिक अधिकारी तीन स्तर के हैं, प्रशासनिक अधिकारी Grade 1, Grade 2 and Grade 3। प्रशासनिक अधिकारी Grade 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उनको सुपरवाइज करते हैं प्रशासनिक अधिकारी Grade 2, और उनके ऊपर होते हैं प्रशासनिक अधिकारी Grade 1। तो प्रशासनिक अधिकारी Grade 3 से मैं शुरू करता हूँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, ग्राउंड में वो कड़ी होते हैं अपने ग्रुप सी स्टाफ और ग्रुप वन स्टाफ के बीच की, उनका इम्पोर्टेंट काम ज़्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हम लोग थोड़ा सा ग्रुप सी को पहले लेंगे, Grade 3 को, Grade 2 के बाद में फिर Grade 1 को। Grade 3 की ड्यूटीज क्या हो सकती हैं, ये मेन कड़ी हैं, एज ए हेड ऑफ ऑफिस होल्डिंग द चार्ज ऑफ द ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर फॉर गजेटेड एंड नॉन गजेटेड पर्सनल ऑफ द रीजन रिचार्ज एंड रेंज। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर Grade 3 है, पैराज 26.3 ऑफ योर ओन एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, आपके विभाग का अपने एक एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल है, उसका ये पैरा 26.3, 26.2, 26.1, इसमें AOs की ड्यूटीज़ डिफाइन की गई हैं, क्या क्या हो सकती हैं वो हैं। हम लोगों का कई बार प्रमोशन हो जाता है और हम लोग वो कार करके आगे बढ़ भी जाते हैं बिना ये जाने कि हमारे कार थे भी कि नहीं या क्या होना चाहिए, हमको अपने कर्तव्य को जानना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर Grade 3 की मेन ड्यूटीज़ मैं आपको स्क्रीन पर है, आप इसको ध्यान से देखें। नंबर वन, हेड ऑफ ऑफिस, आपको एज ए हेड ऑफ ऑफिस कहीं दूर दराज इलाकों में हेड ऑफ ऑफिस डिक्लेयर किया जाता है, होल्डिंग द चार्ज ऑफ ड्राइंग, और आप उसके साथ साथ DDO भी का भी रोल अदा करते हैं, और आप किसी भी क्या काम करते हैं, गजेटेड और नॉन गजेटेड दोनों ही ऑफिसर्स आपके अंडर में हो सकते हैं। आप अपने ऑफिस के सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, आपको ऑफिस प्रमिसेस का जनरल सुपरविजन करना होता है, आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होती है। यू आर द सुपरवाइजर ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड अकाउंट्स पर्सनल एंड इंश्योरिंग डिसिप्लिन इन द ऑफिस। ऑफिस में CCA कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आपके सारे मातहत आप स्वयं कार्य करें, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरविजन का काम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर Grade 3 का है। एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड सारे काम आपके अपने हैं, और अकाउंट से रिलेटेड भी जितने भी काम हो सकते हैं वो आपको, आपके ऑफिस से संबंधित वो आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 4 है एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन एंड स्टॉक टेकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स एंड स्टेशनरी। आपके ऑफिस की जरूरत के हिसाब से आप स्टेशनरी खरीदा करते हैं, बुक्स खरीदा करते हैं, फर्नीचर्स आया करते हैं, इन सब के प्रॉपर स्टॉक मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है, स्टॉक मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
ये इस चीज़ का आप एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन भी एक बार जरूर करेंगे और इसकी रिपोर्ट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड टू या ग्रेड वन को वंस इन ए ईयर देंगे। ये काम बिल्कुल नहीं होता है, ये जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड थ्री की। एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक, साल भर में कितनी चेयर्स आई, कितने एसी लगे, कितनी गाड़ियाँ आई, कितने फर्नीचर्स आए, इन सब का लेखा जोखा स्टॉक में जो एंट्री है और फिजिकल जो दिख रहा है उससे मिलान करना जरूरी है। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है उसको तत्काल अपने हेड या अपने सुपरवाइजर के ध्यान में लाना है। आपको कंटिजेंट बिल ड्रा करने की पावर है और वो पावर कितनी हो सकती है, जितने की आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने DFPR के अंतर्गत आपको अधिकृत किया है, कहीं 2000 है, कहीं 5000 है, कहीं अलग अलग वर्क के हिसाब से अलग अलग सैंक्शन पावर है। तो आपको अपने पावर के अंदर ही खर्च करने की भी पावर है, आप कंडीशन बिल को ड्रा कर सकते हैं, उसका PO को भेज कर पेमेंट करा सकते हैं और जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप बजट की डिमांड भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एरियाज रिलेटिंग टू प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड मैटर्स रिलेटिंग टू रिकवरी, आपका ये मेन रोल है। आप जो है रिकवरी से रिलेटेड आपने क्या क्या स्टेटमेंट तैयार किए हैं, क्या क्या स्टैटिस्टिक्स बना के रखी हुई हैं, उससे रिलेटेड सारे मैटर्स को डील करना ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड थ्री की जिम्मेदारी है। शुरुआत यहीं से होती है और ये रिपोर्ट करते हैं अपने हायर ऑफिसर AO ग्रेड टू या JCIT, CCIT, CIT जैसा भी आपके ऊपर के ऑफिसर्स हों। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक्ट एक्सेट्रा, जितने भी लीगल केसेस हैं इसमें आप डिपार्टमेंट और जो पार्टीज हैं प्राइवेट उनके बीच के आप एक तरीके से कोऑर्डिनेटर काम करते हैं, इस मैटर को डील आप करते हैं। शुरुआत में लीगल मैटर्स को की फाइल्स आपको मेंटेन करनी है, प्रॉपरली वकीलों से मिलना है और केस पुटअप करना है, हायर अथॉरिटीज के संज्ञान में लाना है। ये काम इंपॉर्टेंट ग्रेड थ्री ऑफिसर्स का ही है, और ग्रेड थ्री का और सारी रिपोर्ट्स ये लीगल मैटर से संबंधित अपने हायर ऑफिसर अपने जो उनका सुपरवाइजर मेनली AO ग्रेड टू होता है या CCIT, CIT या डिस्टेंस CIT, JCIT जो भी अप्लीकेबल हो उनके संज्ञान में लाएंगे। ट्रांसफर एंड पोस्टिंग नॉन ग्रेजुएट ऑफिसर के ऑर्डर आप निकालेंगे लेकिन ट्रांसफर ऐसे नहीं कर देंगे, उनसे अप्रूवल चाहिए होती है संबंधित प्रशासनिक उच्च क्लासमैन ऑफिसर्स की, अप्रूवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव CCIT, CIT, एडिशनल CIT जो उन्होंने अपने अपने पावर के अकॉर्डिंग ट्रांसफर पोस्टिंग की हो, वो उनके अप्रूवल से ऑर्डर आप निकालेंगे और ट्रांसफर पोस्टिंग भी देखेंगे। ग्रांट ऑफ कैजुअल लीव एंड आल्सो सैंक्शन ऑफ लीव टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सनल, सारे जितने भी नॉन रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनका आप डिसिप्लिन केस से लेकर लीव मेंटेनेंस तक का रिकॉर्ड एक एक चीज आप मेंटेन करेंगे। ग्रांट ऑफ कैजुअल लीव एंड आल्सो सैंक्शन ऑफ लीव टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सनल अंडर एग्जिस्टिंग रूल्स टू द एक्सटेंट लेड डाउन द रूल्स। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ग्रांट ऑफ कैजुअल लीव, कैजुअल लीव यहाँ पर सैंक्शन नहीं लिखा हुआ है, देना है किसी को आकस्मिक जरूरत पड़ गई छुट्टी लेने के लिए, उसने आपको इन्फॉर्म किया आप उसको देंगे, उसको प्रॉपरली नोटशीट वगैरह में लाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि कैजुअल लीव की कोई भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं होती है। जो बॉस और सुपरवाइजर है भाई 8 दिन के लिए छुट्टी मिल रही है, आकस्मिक पड़ गया किसी का किसी चीज़ का निधन हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, आकस्मिक नेचर का कोई भी दुर्घटना हो गई, तो इसकी जो है प्रॉपरली नोटिंग ड्राफ्टिंग ऑफ फाइल नहीं चलानी चाहिए लंबी चौड़ी। आदमी आज बीमार पड़ा है, अस्पताल में पड़ा हुआ है वो, और आप उसके सैंक्शनिंग के लिए फाइल हायर अथॉरिटी तक जाने, आपको ये खुद पावर है, खुद अपने विवेक से तय करें कैजुअली आपको देनी है, ग्रांट करना है, और अगर कोई कैजुअली बिना बात के ले रहा है तो उसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ग्रांट ऑफ कैजुअली का आपको पावर है। हाँ जी, हेलो, ग्रांट ऑफ कैजुअल लीव एंड आल्सो सैंक्शन ऑफ लीव टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन का आपको पूरी पावर है। आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुपरिंटेंडेंस ऑफ द पंचुअलिटी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, आपके अंडर में मैक्सिमम स्टाफ नॉन रजिस्टर्ड होता है, ऑफिस समय से आ रहा है, ऑफिस समय से का सारे डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है, अटेंडेंस की प्रॉपर है, पंचुअलिटी मेंटेन है, अगर आपके यहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम लगा है तो प्रॉपरली वो यूज हो रहा है, वो वेल मेंटेन कंडीशन में है कि नहीं। आज का बायोमेट्रिक सिस्टम लग गए हैं हर जगह लगभग, और लगभग 70% जगह पर बायोमेट्रिक सिस्टम खराब हो चुके हैं। वो खराब ना होने की जिम्मेदारी AO ग्रेड थ्री की है, उसको तत्काल मेंटेन करवाएंगे, अटेंडेंस सबकी वाच करेंगे, पंचुअलिटी भी वाच करेंगे।
और इसमें कोई भी ढिलाई अगर आ रही, आपको कोई परेशानी हो रही है या आपको कोई दिक्कत है, तो आप उसके इसको अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में तत्काल लाएंगे सुपरविजन। एंड क्योंकि आने वाले समय में जो पेंशन से रिलेटेड सर्विस वेरिफिकेशन वगैरह है वो बायोमेट्रिक मशीन के थ्रू ही होती है। दिल्ली में जो है अचानक एक ऑफिस है CBIC के हमारे हेडक्वार्टर में, दो एम्प्लॉयज़ की पेंशन लीव जो इनकैशमेंट होता है वो छुट्टियाँ 300 गायब हो गई थी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के यहाँ जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस में आ रही थी वो लोग उसको हल्के से ले रहे थे और सारा आउटपुट जो भी अटेंडेंस थी उनके बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा निर्गत वो हायर ऑफिसर से मंगा ली थी कि वो लाओ कि उसमें कितने दिन वो आया कितने दिन गया, और लीव इनकैशमेंट उन लोगों का नहीं हो पाया ड्यू टू दिस। आजकल मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर नहीं चलता है, बायोमेट्रिक मशीन जरूर लगवा लें और अटेंडेंस को स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करें, मेंटेन करें। आपकी जिम्मेदारी है अपने माथा की ACR APR, आजकल APR बोलते हैं, वो लिखने के लिए आप उसको लिखेंगे। अब APR जो है थ्रू ऑनलाइन लिखे जा रहे हैं, तो APR ग्रुप सी का भी ऑनलाइन नहीं है, तो राइटिंग ऑफ ACR द पर्सनल वर्किंग अंडर योर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, एंड उनको सलाह भी दें, बताएं भी कि कैसे वो उसको फिलअप करें। APR में लिखी हुई सारी जानकारी जो पार्ट वन में लिखी जाती हैं कि उसने क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब वो क्वालिफिकेशन हैं, कब कब छुट्टियाँ ली, ये आप वेरीफाई करेंगे। वो तो जो ये आपकी एस्टेब्लिशमेंट की सीट का काम है कि पार्ट वन को भर के ही दें उनको अपने मातृ कर्मचारियों में, लेकिन ये होता नहीं, उनको फॉर्म पकड़ा देते हैं। तो पार्ट वन की जितनी भी डिटेल्स है उसको वेरीफाई करना AO ग्रेड 3 का ही काम है, जहाँ AO ग्रेड 3 नहीं है वहाँ AO ग्रेड 2, जो भी जैसा ऑफिस हो आप एज ए हेड ऑफ ऑफिस वर्क कर रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे डिस्पैच ऑफ डाक और डाक का कंट्रोल ये आपके हाथ में है। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लें या ध्यान में रखें, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिंग टू प्रॉपर डॉकेटिंग ऑफ रिसीट्स एंड डिस्पैच ऑफ डाक एंड कंट्रोल ओवर, इस चीज को कंट्रोल करके आप पूरे ऑफिस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक डाक रजिस्टर होता है जिसमें डाक किसको कब आई, कब आपने किसको मार किया। हम लोग मार करने के बाद भूल जाते हैं कि उस डाक के साथ क्या हुआ। अगर उसको अगले पन्नों को और देखें तो कब वो मैटर डिस्पोज हुआ, ये भी वाच आपको करना है। तो डाक रिसीविंग से लेकर मैटर को सेटल करने तक डाक का कंट्रोल आपको करना है। अगर कोई डिले कर रहा है तो उस चीज़ को आपको नोट रखनी है, ये उनके APR में हाईलाइट करेंगे। इंपॉर्टेंट नेचर की डाक है वो वैसे वर्किंग करनी है, स्पीड करना है, मोस्ट अर्जेंट वर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिसाइड करना है और उसी हिसाब से संबंधित एम्प्लॉयज को देते हुए, और उस पर वर्क कितना हुआ, कब तक हुआ, डिले तो नहीं कोई इन्वॉल्व है। अगर डिले इन्वॉल्व हो तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए, जिम्मेदारी तय करते हुए आपको इस चीज़ को करना है। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिंग टू प्रॉपर डॉकेटिंग और सीट्स एंड डिस्पैच ऑफ डाक एंड कंट्रोल ओवर दैट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाक, मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक्स, स्टॉक रजिस्टर, फर्नीचर एंड फिक्चर एक्सेट्रा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर 12 फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए, प्रॉपर डॉकेटिंग के साथ साथ डाक का कंट्रोल आपके हाथ में है। आपको पास सारी सर्विस बुक रखी जाती हैं, आप सर्विस बुक आपके कस्टडी में होती हैं, उनको प्रॉपरली मेंटेन करना है, सारा स्टॉक रजिस्टर प्रॉपरली फिलअप हो वो मेंटेन करना है, फर्नीचर से रिलेटेड जो भी डेड स्टॉक रजिस्टर है वो भी आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है, यह आपकी जिम्मेदारी है, इसमें कोई भी ढिलाई ना करें। अगला काम एम्प्लॉई सेवा का नंबर रिटायर होता है तो उससे उसके लिए आपको प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर्स हैं, अदर रिटायरमेंट रिलेटेड पेपर्स हैं, फॉरवर्ड दे रहा हूँ, आपको फॉरवर्ड करना है टू पे एन अकाउंट ऑफिस, प्रॉपरली भरे हों। और भरना क्या, अब तो भविष्य की शुरुआत आपसे पेंशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो प्रॉपरली फिलअप करके आपको देता है, आप उसको चेक करके थ्रू भविष्य और PFMS आप आगे PPO को फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन प्रॉपरली पेंशन पेपर कंप्लीट हों हर तरीके से, अगर रिटायर्ड एम्प्लॉय को प्रॉब्लम तो वो भी आप दूर करेंगे, और प्रॉपरली फिलअप करके आप कड़ी हैं पेंशनर और PO ऑफिस के बीच की, तो आपको प्रॉपरली पेपर को मेंटेन करने से लेकर भुगतान करने तक जिम्मेदारी लेनी है, आपको उसके लिए रेडी रहना है। ये दिस इज इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो इतना भी मैंने बताया ग्रेड 3 के साथ साथ ग्रेड 2 की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको सुपरवाइज करना है, ग्रेड 1 को तो सबको ही सुपरवाइज करना है।
स्वच्छता भारत स्वच्छ अभियान में आपके ऑफिस ने सबसे ज़्यादा स्वच्छता में योगदान दिया है। आपका हेडक्वार्टर तो बहुत ही ज़्यादा साफ रहा है, जिसके कारण हम इस बार स्वच्छता में कुछ ज़्यादा अंक पा गए हैं लखनऊ में। तो दैट इज़ ड्यू टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने अपना वर्क अच्छी तरह किया। मेंटेनेंस एंड क्लीनलीनेस ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, ये जिम्मेदारी एज ए हेड ऑफ ऑफिस, एज ए एओ आपकी है। आपने प्रॉपरली करना है, ऑफिस को सफाई करना है, जो भी रिकॉर्ड्स डिस्पोज ऑफ करने हैं एज पर रूल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, किसी को 10 साल में रखना होता है, किसी को 30 साल रखना होता है, आपको प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ द बिल्डिंग करनी है। आपके यहाँ वेलफेयर वर्क भी होते हैं, एडुकेशन से स्पोर्ट्स भी होती हैं, उनको भी आपको सुपरवाइज करना होता है। इन अदर वर्ड्स, यू आर ऑल्सो द केयर टेकर ऑफ योर ऑफिस बिल्डिंग, सिंस यू आर द हेड ऑफ ऑफिस ऑफ योर बिल्डिंग, योर ऑफिस, तो आपको अपने आप एज ए केयर टेकर अपने ऑफिस के लिए हैं, आप उसको हर तरीके से साफ सफाई जरूरत की ध्यान रखेंगे। एंड नंबर 16, एनी अदर वर्क ड्यूटीज असाइन जो आपके ग्रेड टू सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, JCIT, एडिशनल CIT, CIT एंड CCIT, पूरी रेंज है ऑफिसर्स की, आपको जो भी काम सौंपेंगे वो मना नहीं करेंगे, वो आपको आपके वर्क के अलावा जितने लिखे हुए वर्क हैं 15, इनके अलावा ये 16 वर्क है। तो ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये आप ही के यहाँ से हमको प्रोवाइड कराया गया है, इसके लिए थैंक यू। जब आप ग्रेड थ्री कर रहे थे, आप AO ग्रेड टू भी बनते हैं, ग्रेड वन भी बनते हैं, एक तरीके से ग्रेड थ्री के सुपरविजन वर्क होता है AO ग्रेड टू का। जनरल सुपरविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड अकाउंट्स पर्सनल एंड इंश्योरिंग डिसिप्लिन एंड पंचुअलिटी इन ऑफिस, भाई नॉन ग्रेजुएटेड का तो डिसिप्लिन और पंचुअलिटी मेंटेन कर रहे हैं ग्रेड थ्री AO ग्रेड थ्री, AO ग्रेड थ्री का और उसके वर्क को कौन सुपरवाइज करेगा? AO ग्रेड टू, और वो पूरी तरीके से डिसिप्लिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस्टेब्लिशमेंट की सारी वर्किंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, सुपरवाइज प्रॉपरली करेगा, दैट विल सुपरवाइज ओवर द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड थ्री के ऊपर। सारा वर्क, जितना भी वर्क 16 वर्क डिफाइन किए हैं, सबको सुपरवाइज करेगा ग्रेड थ्री। एंड मैटर्स रिलेटिंग टू स्टाफ ग्रीवांसेस, कोई स्टाफ की कोई ग्रीवांस है, उसने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, उसको भी आप सेटल करेंगे एज पर रूल्स। आपके हाथ में कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं नॉन ग्रेजुएटेड पर्सनल्स की, इनको प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, प्रॉपर कस्टडी में रखेंगे। और आपको आपके हायर ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड वन, JCIT, CCIT, CIT एक्सेट्रा, जो भी वर्क अलॉट करेंगे वो काम भी इनके अलावा है। ये वो वर्क हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और यही वर्क आपको अपने APR में शो करने चाहिए। APR में भरते क्या हैं? खाली हम कहीं कहीं जब APR लिखते हैं तो हम सीधे लिख देते हैं एज पर एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, एज पर अलॉटेड वर्क बाई सुपीरियर्स, ये सब नहीं लिखना है। ये सब लिखने में 2 या 3 अंक ही मिलते हैं। आपको जो काम अलॉट हैं आप ये काम नोट कर लेंगे, मैं यहाँ पर दे जाऊँगा, आपके एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में है। इसी तरीके से सारे के सारे पॉइंट वाइज वर्क भी लिखेंगे APR में, और वो करने में आप कितने परसेंटेज सफल रहे, 100% सफल रहे, 90% सफल रहे, वो भी लिखेंगे। ये काम करने में आपको कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स रहे, कौन कौन सी बाधाएँ रहीं, ये सब APR के पास होते हैं आपको, ये सब चीज़ें जब ये पॉइंट्स लिखेंगे तो वो चीज़ें भी अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ड्यू टू जो इस आपका जो ऑफिस स्टाफ है वो कम है या ज़्यादा है या नहीं काम कर रहा, वो सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये आपको अपने पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। इट विल हेल्पफुल फॉर योर APR ऑल्सो, इट विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर डेली वर्किंग। दीज आर पर्टिकुलरली एज फॉर द AOs, ट्रेनिंग इज फॉर द AOs, इसको आपको जानना है। नाउ कम टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड वन, जो भी काम ग्रेड टू का है, जो भी काम ग्रेड थ्री का है, इन दोनों का वो सुपरवाइज करेगा, इन दोनों का एस्टेब्लिशमेंट मेंटेन करेगा, इन दोनों को प्रॉपर डिसिप्लिन रखते हुए वॉच करेगा। सुपरवाइजन स्ट्रिक्ट सुपरविजन का वर्क है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड वन का। इट विल सुपरवाइज ओवर द वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड टू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड थ्री, इनके जितने सारे काम हैं वो सब सुपरवाइज करेगा। उन कामों को भी आप अपने APR में AO ग्रेड वन लिख सकते हैं। और आपको टाइम टू टाइम जो आपके JCIT, CIT, CCIT वर्क अलॉट करेंगे वो भी आपको काम वॉच करना है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड वन। आपको नॉन ग्रेजुएटेड पर्सन को अब पनिश करने का राइट भी है, आप खुद पनिश कर सकते हैं, ऊपर जाकर जाने की जरूरत नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेट डाउन द सीसीए कंडक्ट रूल, इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ये आपकी अपनी वर्किंग है। अभी तक जो एओस की ड्यूटीज बताई गई हैं, इसमें कोई डाउट कहीं पर कोई वर्क? डीडीओ में आ रहा हूँ मैं, एओस की ड्यूटीज, एनी वन एनी डाउट? यू ऑल आर द एओस, आई थिंक देयर इज नो डाउट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट डीडीओ में, आपकी एज ए डीडीओ यू आर हेड ऑफ ऑफिस, यू आर वर्किंग एज ए ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, यूर ऑफिस ऑल्सो। तो डीडीओ के जो पढ़ देख लेते हैं क्या हो सकता, क्या हो सकता है। मैम डीडीओ कहाँ से आएगा? सो हो गया डीडीओ पे आ रहा ना। एज ए एओस यू हैव लिसन योर ड्यूटीज, नाउ यू आर ऑल्सो वर्किंग एज ए ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स। आरण वितरण अधिकारी हैं आप अपने कार्यालय के, और है नहीं आपको डी एफ पी आर के अंतर्गत पर्टिकुलर है आपका हेड ऑफ ऑफिस बींग गजेटेड इंस्टीट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन की पावर के अकॉर्डिंग आपको अपॉइंट किया जाता है। आप क्या कर सकते हैं, आप पेमेंट के लिए कोई आपके अपने ऑफिस की जरूरत के अकॉर्डिंग पेमेंट को ड्रॉ करते हैं, बिल को ड्रॉ करते हैं, और पे एंड अकाउंट ऑफिस से पेमेंट हो जाने के बाद उसका डिसबर्स भी करते हैं। दैट्स व्हाई यू आर ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। और इसको बताने के पहले मैं आपको रूल अभी बाद में सेकेंड अगले पीरियड में बता दूंगा, लेकिन अब इसकी चर्चा करना जरूरी, इसलिए समझ रहा हूँ कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। उसके बिना डीडीओस एओस जो भी पोस्ट हो वो सारी की सारी बेकार हो जाती हैं। जीएफआर रूल 21, दैट इज़ द जिस्ट ऑफ द जीएफआर। वो जिस्ट एक तरीके से हमारे अपने कैरियर का भी होता है। तो जीएफआर रूल 21 को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अब वो रूल ये कहता है कि किसी भी वित्तीय लेन देन में हम उसी तरीके से चौकस रहेंगे जिस तरीके से हम अपने घर के खर्च करते समय रहते हैं। मतलब फालतू खर्च नहीं करते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से खर्च करते हैं। अगर बजट बहुत मान लो 2 करोड़ है, खर्चा 2 लाख का है, ये नहीं कि 1,98,000 का और खर्च कर डाला बिना मत के। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब अपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। अब आप जो है अपने डीडीओ कौन है क्या है, आगे धीरे धीरे वो रूल भी आएगा, वो रूल की चर्चा लगभग 2 दिन तक होती रहेगी। तो डीडीओ इज अ डिस्पर्सिंग ऑफिसर, और डीडीओ वो हेड ऑफ ऑफिस भी हो सकता है, और हेड ऑफ ऑफिस के अलावा कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो सकता है। हेड ऑफ ऑफिस किसी भी अपने मातहत गजेटेड ऑफिसर को एज ए डीडीओ डिक्लेयर कर सकता है, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने डीएफपीआर में स्पेशल प्रोविजन बनाए हुए हैं, उसके इसके द्वारा कोई भी गैजेट ऑफिसर डीडीओ का रोल कर सकता है। डीडीओ का क्या काम है, टू ड्रा द बिल्स एंड मेक द पेमेंट, किसकी तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार उसको अधिकृत करती है कोई भी बिल ड्रॉ करने के लिए, कोई भी पेमेंट करने के भुगतान करने के लिए। डीडीओ वित्तीय कड़ी है सरकार और प्राइवेट पार्टीज के बीच में भुगतान लेन देन की, धन संबंधी सारे मामले की जिम्मेदारी डीडीओ की है। अगर किसी एओ के पास डीडीओ का भी पावर है, डीडीओ भी बनाया गया है, तो वो ये समझ के खुश ना हो कि मैं डीडीओ भी हूँ ऑफिस का, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब होता है दुधारी तलवार पर चलना, क्योंकि सारे भी वर्ल्ड के सारे क्राइम, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो चाहे पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, सारे क्राइम सारे करप्शन डीडीओ से ही स्टार्ट होते हैं, वहीं पर आकर ख़त्म होते हैं। अगर वो उसने नहीं किया, हायर किसी और ने किए, तो जिम्मेदारी उसकी बन जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि डीडीओ को स्ट्रिक्ट होना है अपने काम के प्रति, और सारे रूल्स रेगुलेशन जानने हैं। तो जनरल चीज़ ये बता दिए, धीरे धीरे डिस्कशन में आगे बढ़ रहा हूँ।
डिसबर्सिंग ऑफिसर मींस अ हेड ऑफ ऑफिस एंड आल्सो एनी गेजेटेड ऑफिसर सो डिजाइनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एन एडमिनिस्ट्रेटर टू ड्रा यहाँ ध्यान रखिए टू ड्रा बिल्स एंड मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से करते हैं GFR का रूल 2 रिसीट एंड पेमेंट का रूल 1 रिसीट एंड पेमेंट रूल्स एंड GFR रूल एक दूसरे का पूरक है GFR में रिसीट एंड पेमेंट के रूल्स के वो रहता है बताया जाता है उसी का रेफरेंस रहता है नाउ DDOs आर द टू टाइप्स मेनली टू टाइप्स चेक ड्रैंक DDOs एंड नॉन चेक ड्रैंक DDOs चेक ड्रैंक DDOs कौन होते हैं चेक ड्रैंक DDOs मीन्स अ ड्रैंक डिसबर्सिंग ऑफिसर फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट हु इज अथोराइज टू ड्रॉ मनी जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो भी पैसा ड्रॉ कर सकता है वो भी डिसबर्स कर सकता है लेकिन वो भाई वो चेक ड्रैंक DDO PO में थोड़ा डिफरेंस है DDO चेक ड्रैंक DDO को PO लेटर ऑफ अथॉरिटी देता है लेटर ऑफ अथॉरिटी लेटर ऑफ क्रेडिट के अकॉर्डिंग उसका एक एक्रेडिटेड बैंक होता है एक उसकी बैंक की शाखा होती है SBI की मेन बैंक होती है ज़्यादातर उसमें वो लेटर ऑफ क्रेडिट LOC अकाउंट ओपन करता है और LOC अप्रूव करता है PO कहता है कि आप सैलरी हेड में 1 करोड़ तक का खर्चा साल भर में बजटीय ईयर में करेंगे तो 1 करोड़ की LOC पूरे साल की बैंक को चली जाती है अब CDDO 1 करोड़ तक का खर्चा आराम से उसने तक चेक निकाल सकता है ड्रॉ कर सकता है बिल ड्रॉ कर सकता है पेमेंट कर सकता है 1 करोड़ तक का जितनी की उसकी LOC है जहां वो LOC लिमिट पार करेगा बैंक पेमेंट नहीं करेगा LOC होना जरूरी होता है CDDO के पास LOC होती है PO के पास भी होती है लेकिन LOC का जो मेन फंक्शन है वो कंट्रोल करता है आपके फाइनेंशियल लिमिट्स को तो यहाँ पर ध्यान रखिए चेक ड्रैंक एंड DDO मीन्स अ ड्रैंक डिसबर्सिंग ऑफिसर फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट हु इज अथोराइज्ड टू ड्रॉ मनी फॉर अ स्पेसिफाइड टाइप ऑफ पेमेंट्स अगेंस्ट एन असाइनमेंट अकाउंट और लेटर ऑफ क्रेडिट LOC जिसके लिए आप बार बार तिमाही डिमांड करते हैं PO से जो आपके फेवर में इस 5 ब्रांच ऑफ एक्रेडिटेड बैंक में खोली जाती है ये चेक ड्रैंक DDOs हो गए और नॉन चेक ड्रैंक DDO क्या करता है वो उसको चेकबुक इशू नहीं होती है वो खाली बिल ड्रा कर सकता है और पेमेंट के लिए पुट अप करता है वो कहाँ पर PO के पास यस अपने CDDO के पास द DDO हु आर नॉट वेस्टेड विद द पावर ऑफ ड्राइंग उसके पास ड्राइंग की पावर नहीं होती है वो ड्रॉ कर सकता खाली एक तरह के वो ड्राइंग ऑफिसर है इशू ऑफ चेक फॉर दियर डिपार्ट और PO से जब चेक इशू हो जाएगा पेमेंट हो जाएगा तो वो ले जाकर पेमेंट को चेक किसी पार्टी को दे देगा तो NCDDO और CDDO में ये थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है दे प्रिपेयर्स एंड सबमिट द बिल्स टू द PO आप बिल प्रिपेयर करते हैं और सबमिट करते हैं POs को चेक ड्रैंक DDO किसको बनाया जा सकता है इसमें वो चीजें कुछ बातें हैं जो हम जनरली आइडियल कंडीशन होती है चेक ड्रैंक DDOs वहां के ऑफिसर को बनाया जाता है जो PO से 200 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर हों पहले था 400 किलोमीटर अब ये रिड्यूस होकर 200 किलोमीटर के आसपास है तो चेक ड्रैंक DDO उस ऑफिस के पावर दे दी जाती है चेक ड्रॉ करने की जो PO की रेंज से 200 किलोमीटर से ज़्यादा हो जिसके पास 25 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा स्टाफ हो 150 से ज़्यादा स्टाफ हो तो उसको CDDO पावर दी जा सकती है लेकिन अगर आपके यहाँ कुछ चेक ड्रैंक DDO है 90 स्टाफ है 80 स्टाफ है 75 स्टाफ है तो उसको CDDO पावर नहीं देनी चाहिए पावर विड्रॉ हो जानी चाहिए और चेक डैंक DDO वहाँ पर जनरली नहीं होते जहाँ पर PO होता है लखनऊ में ही दूसरे ऑफिस को जब PO के अतिरिक्त कोई और ऑफिस है JDO के अतिरिक्त तो वहाँ पर चेक डैंक DDO अगर है तो वो पावर तत्काल ख़त्म हो जानी चाहिए वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए CDDO का ऑफिस PO के ऑफिस से 200 से ऊपर किलोमीटर को ज़्यादा रेंज में होना चाहिए वहाँ का स्टाफ नंबर ऑफ स्टाफ 150 से ज़्यादा होना चाहिए इन दो मेन प्राइमरी कंडीशन CDDO की पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेने के हेड ऑफ क्वार्टर से लेने के लिए अदरवाइज CDDO की पावर विड्रॉ हो जानी चाहिए ये देखिए नाउ जो मैं बता रहा हूँ ये नाउ डिस्टेंस फ्रॉम PO एंड DDO शुड नॉट बी लेस देन 400 किलोमीटर ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर से ज़्यादा है तो भी कई जगह पावर दे दी गई है हमारे अपने ऑफिस में इनडायरेक्ट एक्सेस में PO में सीतापुर के ऑफिस को
सीडीडीओ बना दिया गया, जबकि सीतापुर 100 किलोमीटर से भी कम जगह डिस्टेंस पर है। ये विड्रॉ हो जानी चाहिए। बजट प्रोविजन फॉर द आइटम्स अदर देन सैलरी, ये आइडियल नॉर्म्स हैं, ऐसा होता नहीं है। सैलरी के अतिरिक्त जो और भी हेड हैं वहाँ पर कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, जबकि आय के समय में 10 लाख 20 लाख हो ये भी बहुत है। बट आइडियल कंडीशन सीडीडी उसी को बनाना है जिसके पास सैलरी के अतिरिक्त जो दूसरे हेड है उसमें बजट प्रोविजन 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ये वो बेसिस हैं जिसके बेस पर सीडीडी पावर विड्रॉ हो सकती है। डीडीओ ये हायर ऑफिसर्स के ज्ञान की बात है, डीडीओ उसी को बनाए जिसको अकाउंट्स की नॉलेज भी हो, और नहीं है तो प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह देकर अकाउंट्स की नॉलेज देकर डीडीओ बना सकते हैं। एंड नंबर ऑफ स्टाफ फॉर विच डीडीओ वुड बी मेकिंग पेमेंट मे नॉट बी लेस देन 150 से कम नहीं होने चाहिए। सीडीडीओ क्या क्या पेमेंट करेगा, क्या क्या पेमेंट कर सकता है? पे एन अलाउंसेस का पेमेंट कर सकता है, वेजेस का पेमेंट कर सकता है, मेडिकल क्लेम्स का पेमेंट कर सकता है, ऑनरेरियम, LTC, ट्रेवल एक्सपेंसेस, ये आप चाहें तो नोट कर लें क्योंकि इसके बाद वो बताऊंगा जो पेमेंट नहीं कर सकते। ट्रेवल एक्सपेंसेस, ऑफिस कंटीजेंसीज, RRT, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन एंड अदर डे टू डे चार्जेस एंड एडवांसेस फ्रॉम GPF। यहाँ पर देखिए एडवांसेस फ्रॉम GPF, भूल से भी विड्रॉल फ्रॉम GPF बींग CDDO मत अलाउ कर दीजिएगा, मत करिएगा। ये बिल तैयार होकर भेजा जाता है PO, वहाँ से पेमेंट होता है। पेंशनर बेनिफिट्स के कोई बिल तैयार करके भुगतान मत कर दीजिएगा, ये बिल तैयार करके सबमिट करना होता है पे एन अकाउंट ऑफिस को। पेंशनर बेनिफिट्स आपको पेमेंट नहीं करने हैं। हाँ, अगर किसी कोर्ट ने कह दिया कि आज शाम को 5 बजे तक वो पेंशन का भुगतान कर दो, CDDO बिल बना कर तैयार करना भेजने की दूर की बात है, आप भेज नहीं पाएंगे, तो आप एज पर टेलीफोनिक गाइडलाइंस एज इंस्ट्रक्शन लीजिए PO से, तत्काल भुगतान करिए, फिर उसका पूरा केस बनाकर PO को भेजिए, फिर उसका सेटलमेंट अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि विड्रॉल फ्रॉम GPF एंड पेंशनरी बेनिफिट्स और मेन जो बड़े बड़े कैपिटल हेड के खर्चे वगैरह होते हैं वो आप नहीं करेंगे। खर्चे करेंगे तो बहुत मालूम रहता है, कौन से खर्चे नहीं करेंगे वो भी ध्यान रखेंगे। विड्रॉल GPF विड्रॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सारे शॉर्ट टर्म एडवांसेस पेमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म एडवांसेस का पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहले ग्रुप डी हुआ करता था, अब तो खत्म हो गया है, ग्रुप सी हो गए सब लोग, इसलिए सारे पेमेंट PO करता है। अगर कोई MTS हो, कोई बच्चा हो अब भी, तो उसका DLI वगैरह पेमेंट आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई पेमेंट नहीं करेंगे। OTA भी खत्म है, लेकिन कहीं कहीं पर किसी जगह पर ड्राइवर्स वगैरह के लिए अब भी OTA जिंदा है, इसलिए वो पेमेंट आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो चीज़ें नहीं इसमें हैं तो वो भुगतान आप नहीं करेंगे। ध्यान रखेंगे पे अलाउंसेस, वेजेस, मेडिकल क्लेम्स, ऑनरेरियम, LTC, ट्रेवल एक्सपेंसेस, ऑफिस कंटीजेंसी से रिलेटेड RRT है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई है, टेलीफोन है एंड अदर पे चार्जेस, GPF से विड्रॉल नहीं, एडवांस ओनली, पेंशन बेनिफिट्स का भुगतान नहीं करना है, DLI का भुगतान नहीं करना है। अगर आपके यहाँ कोई भूला भटका ग्रुप डी स्टाफ है तो उसका करना है, ग्रुप डी स्टाफ का आपको GPF अकाउंट भी मेंटेन करना है। सारे अपने स्टाफ के लिए आप PBR अकाउंट भी मेंटेन करेंगे। पे बिल रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि PFMS के इंट्रोडक्शन होने के बाद से 80% ऑफिसेज ने पे बिल रजिस्टर मेंटेन करने का काम बंद कर दिया है, अपने आप ही बंद कर दिया, आलस के मारे बंद कर दिया, लापरवाही कहिए इसको, इट मे इन्वाइट द डिसिप्लिन एक्शन ऑल्सो। तो पे बिल रजिस्टर में एम्प्लॉयज से रिलेटेड सैलरी, ऑनरेरियम, LTC, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस वगैरह जो कुछ भी आप दे रहे हैं सैलरी एड से, सबकी सब एंट्री करना जरूरी है, और हर एंट्री को वेरीफाई करेगा CDDO भी और DDO भी। ये ड्यूटीज NCDDOs की भी है, अपने स्टाफ का पे बिल रजिस्टर मेंटेन करना प्रॉपरली, अपने यहाँ का स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना प्रॉपरली, अपने यहाँ का बिल रजिस्टर मेंटेन करना प्रॉपरली, हर चीज प्रॉपरली मेंटेन होगी इन द नॉर्म्स ऑफ द GFR, रिसीजन पेमेंट रूल्स, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स, सिविल अकाउंट मैनुअल्स एंड असिस्टेंस आप सहायकता तो ले PO की आप ले ही सकते हैं। तो इतना ध्यान रखेंगे, काम जब भी करेंगे उच्च कोटि की सतर्कता बरतेंगे, CCA कंडक्ट रूल का हमेशा ध्यान रखेंगे, वो मेंटेन करके चलेंगे। मर्ज DDO तीसरी DDO है जो आपके यहाँ नहीं है,
मस्त जो सेक्रेटेरिएट में होते हैं, सचिवालय वगैरह में होते हैं, दिल्ली में है मेनली, और इनका फाइनेंशियल हेड होता है सीसीए या डिप्टी कंट्रोल ऑफ अकाउंट सीए, चीफ कंट्रोल ऑफ अकाउंट्स वो होता है, हमारे यहाँ से मतलब होता है इसका। मस्त जी डी ओ आपके यहाँ नहीं होता। मस्त जी डी ओ जो है सारे रिकॉर्ड्स वो अपने पास मेंटेन करता है, ये पे बिल वगैरह पीओ को भेजने की जरूरत नहीं होती इसको, ये खाली शेड्यूल वगैरह कुछ नहीं, सीधे बिल भेज देगा, बिल पेमेंट हो जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट शेड्यूल वगैरह लगाने जो होते हैं बिल में, तो इनका अलग ही रोल है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए नहीं है, फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। इसका हेड सीसीए हो सकता है, सीए हो सकता है, डीसीए हो सकता है, फाइनेंशियल हेड, और वही इसको कंट्रोल भी करता है। ये दिल्ली में ही है जाता और सेक्रेटेरिएट से संबंधित सचिवालय से रिलेटेड। जब भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को डीडीओ बनाया जाएगा तो क्या काम करेगा? सबसे पहले एक लेटर बनाएगा पीओ के नाम से, उसमें अपने 3 स्पेसिमेन सिग्नेचर करेगा, 3, 1, 2, 3, और तीनों सिग्नेचर को आपका अपना सुपरवाइजर जो कि पीओ के पास जिसके सिग्नेचर पहले से हो वो अटेस्ट करेगा, वेरीफाई करेगा, और तब आप अपने सिग्नेचर पीओ को भेजेंगे, स्पेसिमेन सिग्नेचर बैंक को भेजेंगे। कभी कभी एओ छुट्टी पर चले जाते हैं 15 दिन 20 दिन के लिए, कोई और काम देख रहा होता है और उनके साइंस आने लगता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन आती है छुट्टी पर इसलिए वो करके भेज रहे हैं ना। आप जब भी एक नया अपॉइंटमेंट, चाहे वो पार्ट टाइम के लिए हो चाहे फुल टाइम के लिए हो, आप उसके 3 सिग्नेचर बना के बैंक को भी भेजेंगे और पीओ को भी भेजेंगे। पहली बार जब भी कोई डीडीओ बनेगा तो डीडीओ कोड आपके ऑफिस को अलॉट होता है, हर डीडीओ बार बार बदलेगा तो डीडीओ कोड नहीं बदलेगा, तो ध्यान रखें अगर डीडीओ कोड अलॉट हो चुका है तो जो भी बाद में डीडीओ बनेगा वो डीडीओ कोड बार बार वेरी नहीं करेगा, डीडीओ कोड सेम बना रहेगा। आप अलॉटमेंट ऑफ 10 नंबर जो भी डीडीओ बनेगा देखेगा आपके ऑफिस का 10 नंबर क्या है, वो 10 नंबर ले लेंगे, 10 नंबर का पता ही होगा, आप ही का ऑफिस इशू करता है। और अब आपको एक GSTN नंबर भी लेना है जो कि हमारे यहाँ से इशू होता है। तो 3 तरह के नंबर होते हैं, एक आपका 10 नंबर, एक आपको GSTN नंबर और DDO कोड, ये आपको लेने हैं PO के थ्रू आपको ये मिल जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे जब भी आप बने DDO तो स्पेसिमेन सिग्नेचर मस्ट बी फॉरवर्ड टू द PO एंड बैंक, इसके बिना सारे पेमेंट रुक जाते हैं। DDO की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि वो क्या काम, रिकवरी ऑफ इनकम ड्यूज प्रॉपरली, आपके स्टाफ से उनकी एनुअल इनकम का अंदाज़ा लगाते हुए, जो लास्ट ईयर जितने भी आपने एनुअल सैलरी डिसबर्स की है उसके अकॉर्डिंग उस मंथली बेसिस पर रेगुलरली इनकम टैक्स का डिडक्शन भी आपको करना है। क्वार्टरली आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है ITO को, ये रूल पढ़ाना मतलब सूरज को दिया दिखाना है, आपको मालूम होना चाहिए खुद ही, आप ही का डिपार्टमेंट है। क्वार्टरली 24G, 24Q, फॉर्म 16 एक्सेट्रा इशू भी करना DDO का काम है। तो सबमिटिंग क्वार्टरली रिटर्न टू ITO और इशू ऑफ सैलरी सर्टिफिकेट टू योर स्टाफ इन द मंथ ऑफ जून एवरी ईयर, कि आपको साल में इतनी सैलरी दी गई। एक एनुअल आपने जितना भी डिडक्शन किया हो किसी भी एम्प्लॉय का, HBA का, MCA का, रिकवरी से रिलेटेड, उनका एक स्टेटमेंट बनाकर, इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो आपको जून के महीने में अपने मातहत एम्प्लॉय को दे देना चाहिए या हर एम्प्लॉय को देना चाहिए जिससे भी आपने जो भी रिकवरी की है। और इंपॉर्टेंट रिकवरी तो आप खाली, हम लोग खाली फॉर्म 16 देकर रह जाते हैं, फॉर्म 16 भी रिकवरी, इनकम टैक्स की रिकवरी भी इंपॉर्टेंट मानते हैं, HBA की भी रिकवरी होती है, मोटरसाइकिल एडवांस, कंप्यूटर एडवांस सब की रिकवरी होती है, ये भी स्टेटमेंट हमको स्टाफ को देना चाहिए, एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ द DDO। DDO की ये भी ड्यूटी है कि कोई भी रिवेन्यू जैसे भी मिले ऑफिस में, कहीं से भी प्राप्त हो, छापा मार के पकड़ा हो, अगर कोई चीज़ आपने रेट डाली है कहीं से पकड़ के आई है, तत्काल विद इन उसी सेम डे में, अगर आप बैंक नहीं रख पा रहे हैं तो अपने चेस्ट में, कैश चेस्ट में रखेंगे, कैश चेस्ट में रखेंगे तो कैश चेस्ट को मेंटेन भी प्रॉपरली करेंगे, वो आगे अगला मैं बताता हूँ। तो आपको जो भी रिवेन्यू आया है उसको तत्काल चालान के थ्रू जमा करेंगे बैंक में प्रॉपरली, रियलाइजिंग ऑफ द रिसीट्स को करेंगे, क्रेडिटिंग द रिसीट इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट इमीडिएटली। नंबर 4, ध्यान रखिए बार बार कोई भी रिवेन्यू आपने रिसीट प्राप्त किया, ऑफिस ने गवर्नमेंट मनी को प्राप्त किया, कहीं से भी आया है,
उसकी क्रेडिटिंग गवर्नमेंट अकाउंट में इमीडिएटली होनी चाहिए। एनसीडीडीयू क्या काम करेगा, कोई भी पैसा जैसे ही प्राप्त होता है, जैसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मिली कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या इमेज कोई भी ईएमडी मिली, अनलेसमेंट डिपॉजिट हुआ, वो भी पैसा आया कहीं से भी कुछ आया, वो आप जो है चालान बनाकर प्रॉपरली पीओ को दे देंगे, पीओ बैंक में जमा कर देगा। ये प्रोसेस है। सीडीडीओ क्या करेगा, वो चालान बनाकर खुद प्रॉपरली हेड कंटेन करते हुए एंट्री करते हुए चालान बनाकर, अब तो चालान पीएफएमएस से भी अपना बन जाते हैं, उनके थ्रू बनाकर तत्काल बैंक में जमा कर देंगे। कोई भी पैसा ऑफिस में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं पड़ा रहना चाहिए, जब तक कि कोई स्पेसिफिक रीज़न ना हो। आपके कानपुर डीआरआई में, कानपुर के जो आपका डायरेक्टरेट है जहाँ पर छापे पड़ के पैसे पकड़ के आते थे, वहाँ पर चेस्ट में मतलब महंगे महंगे मेटल से लेकर सोना चांदी से लेकर कई कई चीज़ें कई कई हफ्ते कई कई महीने तक पड़े रहते थे। तो उसका स्पेशल ऑडिट हुआ था, भूल से मैंने ही किया था, तो उसके आज तक पैरा सेटल नहीं हुए हैं। तो इस तरह के रूल बनाइए प्रॉपर, जब रिवेन्यू रिसीट्स होती है, कोई भी चीज़ पैसा आता है, पैसा आप खर्च कर रहे हैं, यू आर द डीडीओ, तो आपको एक कैश बुक भी मेंटेन करनी है, उसमें प्रॉपरली एंट्रीज भी करनी है प्रॉपरली, तो उन सब चीज़ों को भी जानना है आपको, वो अब पढ़ा दिया जाएगा आपको। पैसा जब आपको चाहिए किसी जरूरत के लिए, तो ये ध्यान रखेंगे ड्रॉल ऑफ मनी अगेंस्ट प्रॉपर एंड लीगल सैंक्शन होनी चाहिए। आपको पावर 2000 खर्च करने की है, आपने 5000 का बिल जनरेट कर दिया और पीओ को भेज दिया, ऐसा नहीं करेंगे। जिस ऑफिसर की जितनी पावर सैंक्शन करने की उससे अनुमोदन लेंगे और फिर आप उसको बिल ड्रॉ करके पीओ भेजेंगे। नो विड्रॉल अनलेस इट इज इंटेंडेड इमीडिएट डिस्बर्समेंट। कोई भी खर्चा इन एंटीसिपेशन नहीं करेंगे कि अगले महीने मुझे जो मेरे ऑफिस को 50 कुर्सी की जरूरत होगी तो मैं पैसा अभी लेकर बैठ निकाल लूँ, ना। नो विड्रॉल अनलेस इट इज इंटेंडेड इमीडिएट डिस्बर्समेंट। जब तक कोई भी तत्काल जरूरत ना पड़ जाए तब तक कोई भी पैसा नहीं निकालेंगे ना खर्च करेंगे। ड्रॉल के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट जी आर फॉर्म बने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल GR 14 फॉर द TA बिल्स एक्सेट्रा TA बिल्स, तो वो प्रॉपर फॉर्म में ही भर के बिल सबमिट करेंगे पी ऑफिस को। हर हेड के लिए सेपरेट सेपरेट बिल सबमिट करेंगे। जब भी आप बिल बनाते हैं तो OE के लिए अलग है, TA के लिए अलग है, सैलरी के लिए अलग है, तो ये नहीं करेंगे एक ही बिल में तीन हेड, एक हेड के अंदर तीन बिल हो सकते हैं, लेकिन जो है सेपरेट बिल फॉर सेपरेट हेड ये बनाना है। और ग्रुप डी स्टाफ के लिए अलग से बिल बनता है। ये ध्यान रखिए कि जब से पीएफएमएस आया है तब से जो ग्रुप डी और रजिस्टर्ड के लिए सारे एम्प्लॉयज मिक्स हो गए हैं, 50-50, 100-100, 200-200 बिल एक साथ बन जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। 30 के ग्रुप में बिल बनाइए सैलरी बिल, 30 का ग्रुप आइडियल कंडीशन है, और रजिस्टर्ड ऑफिसर और नॉन रजिस्टर्ड ऑफिसर के बिल्स PBR अलग अलग बनाइए, इनको मिक्सअप ना करिए। जो मिक्सअप कर देते हैं इससे जो कई अकाउंटिंग दिक्कत क्रिएट हो जाती हैं पीओ ऑफिस में, तो गजेटेड ऑफिसर मेनली कम से कम गजेटेड और नॉन गजेटेड का तो डिफरेंस रखिए रखिए, इनके पे बिल अलग से मेंटेन करिए, अलग से बनाइए, अलग से ड्रॉ करिए। और अब तो ग्रुप डी है नहीं, अगर ग्रुप डी आपके यहाँ कोई है तो ग्रुप डी स्टाफ को भी अलग से बनाना है। मतलब बिल बनाने वगैरह में साम्यवादी सोच मत रखिए कि सबको एक ही में लगा दिए सब बराबर। हमारे यहाँ वर्किंग इंपॉर्टेंस को लेकर, जिम्मेदारी को लेते हुए, योग्यता को लेते हुए अलग अलग कैटर बनाए गए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। आप ग्रुप ए अलग, ग्रुप बी अलग, ग्रुप सी डी अलग ना बनाइए, लेकिन गजेटेड जितने भी हैं उनका एक बनाइए और नॉन गजेटेड का एक बनाइए। ये तो अलग, ये तो पार्टीशन करना ही करना है आपको। हर एंट्री PBR में जितनी भी है, ये DDO चाहे CDDO हो चाहे NCDDO हो, अटेस्ट करेगा, उसकी जिम्मेदारी है। ये ध्यान रखिए हर तरीके की वित्तीय लापरवाही जो भी डीजीओ करता है और जिम्मेदारी पूरी तरीके से उसी पर आती है, उसकी जवाबदेही है। डीजीओ के रोल को हल्के में मत लीजिएगा और लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। चेक बनकर तैयार होकर आ गई, आपको प्रॉपरली पार्टीज को हैंडओवर कर देना है, रिसीट प्रॉपरली लेके अपने पास रख लेनी है। अगर कोई चीज़ 3 महीने से ज़्यादा तक रिसीव नहीं की, अनडिसबर्स पड़ा रहा कोई पैसा आपके यहाँ,
तो वो पैसा वापस करके गवर्नमेंट अकाउंट में डालते हुए प्रॉपर पीओ को एंट्री, पीओ को इंटीमेट करेंगे। कोई भी पैसा अनडिसबर्स आपके ऑफिस में नहीं पड़ा होना चाहिए। फिर से जनरल ओवरव्यू ले लीजिए, जितना मैंने बताया सब नॉर्मली है। रिलेटिंग टू इनकम जो आपकी डीडीए, डीडीओ दोनों डीडीओ हैं, एसी डीडीओ, एनसी डीडीओ सबके लिए है ये। रिलेटिंग टू इनकम, रेवेन्यू रिसीट्स, ड्रॉल ऑफ मनी, डिसबर्समेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी में है और आपकी जिम्मेदारियाँ भी आई हैं। कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, यहाँ पर कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर है, ये ध्यान रखिएगा कि अवाई तवाई खर्च नहीं होना चाहिए किसी भी ऑफिस में। आपके यहाँ टाइल्स लगी हुई हैं, तीन साल एक पिछले साल बदली गई हैं, तो इस साल ज़बरदस्ती के लिए क्रिएट मत करिए कि ठेकेदार तैयार है, पार्टी तैयार है, पैसा रखा हुआ है, हम खर्च कर दें फिर से टाइल्स बदल डालें। हर चीज़ की एज होती है, हर चीज़ के लिए मैनुअल्स हैं, हर चीज़ के रूल्स बने हुए हैं। तीन साल में बदलना है, चार साल में बदलना है, दस साल में बदलना, उसी हिसाब से बदलेंगे। आपके गेस्ट, एक गेस्ट रूम होता है आपके ऑफिस में जनरली, तो वहाँ पर बड़ा सा टीवी रखा हुआ है। टीवी जो है हर साल नहीं खरीदेंगे, अगर हर ऑफिसर और टीवी वगैरह, टीवी हुए, फ्रिज हुए, एसी हुए, जो एंटाइटल है उसी को मिलना है, जो एंटाइटल नहीं है उसको नहीं मिलना है। एंटाइटलमेंट आपके सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल्स में होता है, फर्नीचर से रिलेटेड वर्क्स मैनुअल्स वगैरह सीपीडब्ल्यूडी के मैनुअल्स को फॉलो करना है, और आपको विजिलेंस के एंगल से भी हर खर्चे को वॉच करना है। ये नहीं कि हर साल 128 इंच का टीवी चला आ रहा है। आपको ऑफिसर्स को खुश नहीं करना है, आपको रूल को खुश करना है, रूल के अकॉर्डिंग ही खर्च करने हैं। बीवेयर, यहाँ पर कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर को दास से पैसा पकड़ चलना है। पैसा बचता हो बच जाए, पैसा सरेंडर होता हो जाए, खर्च करने को अपना टारगेट नहीं बनाना है, प्रॉपर खर्च करने को टारगेट बनाना है। इफ़ देयर इज नीड मत रुकिए, कर डालिए खर्चा। इफ़ देयर इज नो नीड मत खर्च करिए, चाहे कोई कितना भी कहे। अगर हाँ प्रेशर पड़ता है, विद इन द एम्बिट ऑफ रूल्स सारे सेंक्शन लीजिए, सारी अनुमति लीजिए, परमिशन लीजिए पहले कंपनी अथॉरिटी से, तब खर्च करिए। और ये देखे रहिए कि जो भी चीज़ें खर्च तभी करिए जब पिछला जो भी आइटम आपने खर्चा किया। सपोज करिए आपको 10 कुर्सी की जरूरत है और पहले से 10 कुर्सी पड़ी हैं, तो वो 10 कुर्सियाँ कंडम डिक्लेयर होना जरूरी हैं। नया टीवी लेना है, पहले से टीवी लगा हुआ है, तो उसको को कंडम डिक्लेयर करिए कि हाँ वो बेकार हो गया है, वो आउट ऑफ यूज़ है। सर्टिफिकेट लीजिए कंप्यूटर अथॉरिटी का, तब नया खर्च कीजिए। जो 10 कुर्सी की है और 10 कुर्सियाँ हर साल आ रही हैं, कभी स्टॉक इसे खोल के देखिए तो आपको मिलेगा आपने तो ऑफिस के लिए 90 कुर्सियाँ खरीद ली हैं और जाके देखेंगे 10 रखी हुई हैं, 80 कहाँ गई। यहाँ से करप्शन जो है एंट्री लेता है ड्यू टू सिलेक्टनेस ऑफ द डीडीओ। डीडीओ को कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, वॉच ऑफ द स्टोर एंड स्टॉक प्रॉपरली करना है। डीडीओ को किसी को खुश नहीं करना है। डीडीओ की ड्यूटी ना अपने माथा तो खुश करना है, मतलब खुश करने का मतलब अवाई तबाई खर्च करके नहीं, आपको खुश रखना है हर एक को विद इन एम्बिट ऑफ रूल्स। जितनी आपको क्षमताएं हैं, जो रूल कहता है वो वैसे ही करना है, रूल के बियॉन्ड जाकर कोई खर्च नहीं करेंगे। केजरीवाल सरकार आने के पहले शीला दीक्षित जी ने ओरली करोड़ों करोड़ों, कम से कम नहीं 1300 करोड़ों के खर्चे करवा दिए थे सचिवालय के आसपास, नई नई गाड़ियां खरीदने में, नई नई चीजें खरीदने में ओरल। बाद में जब केजरीवाल जी आए तो जांच बैठी, सारे के सारे डीडीओ रिस्पॉन्सिबल रहे और आज तक केस में फंसे उलझ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो जवाब नहीं देते बनता है, क्योंकि कौन फंसता है बिजनेस में? डीडीओ, उसी से खर्चा शुरू हुआ था, उसी को खर्च करना है। हायर ऑफिसर तो ओरली कह के चले जाएंगे कर दो ये कर दो, अगर कोई ऐसा आपको मौखिक ऑर्डर नहीं लेना है। डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेड ऑफ ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी ऑर्डर मौखिक स्वीकार नहीं करना है। ऑफिसर के पास समय नहीं है, मौखिक कह रहा है ऐसा कर दो तो क्या करेंगे आप? आप आइए ऑफिस, जो उन्होंने ऑर्डर दिया उस चीज की इन राइटिंग लीजिए, फिर जब समय मिले उनसे जाकर परमिशन लीजिए। ये प्रॉपर वे है, इसको फॉलो करिए। आपको मना भी नहीं करना है, गुस्सा भी नहीं होना है। ऑफिस की जरूरत है, हर ऑफिसर अपने ऑफिस की जरूरत को देख रहा है, वैसे खर्च करेगा, उनकी भी जिम्मेदारी है, तो उनको रूल के अंतर्गत अनुमति लेते हुए आप तत्काल खर्च कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका कोई भी बिल पे इन अकाउंट ऑफिस में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेगा। और जब गलत बिल प्रिपेयर करते हैं, गलत बिल को सबमिट करते हैं, तो ऑब्जेक्शन लगा करते हैं और बिल घुमा करते हैं पीओ ऑफिस और आपके बीच में। आपको मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट रजिस्टर करना है, आपको मेंटेनेंस ऑफ जीपीएफ अकाउंट रजिस्टर करना है। और जो लास्ट है फंक्शन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
जितने बिल आपने बना के रख दिए थे डीपीओ को, वो खर्च हो गए हैं, तो अपने खर्चे और पीओ के अकाउंट में दर्ज खर्चों का मिलान करना है, रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स विद द पीओ, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आप लोग नहीं करते हैं, पीओ चिल्लाया करते हैं, तो एनुअली मार्च में आके एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हाँ रिकंसाइल किया और अकाउंट प्रॉपर पाया गया ना। इसको आपको हर महीने की 3 तारीख को पिछले महीने के किए गए खर्चे को मिलान कर लेना है पीओ खर्चे से। अब तो पीएफएमएस आ गया, अब तो खर्चा बहुत आराम से आधा घंटा लगता है किसी को भेजकर। रिकंसाइलेशन हर महीने की 3 तारीख को पीओ और आपके डिपार्टमेंट के बीच में हो जाना चाहिए। रिकंसाइलेशन अकाउंट्स विद द पीओ, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ना हाउ विल कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब आप अपने रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर फॉर्म GFR 9, ये कुछ फॉर्म्स होते हैं GFR 14, GFR 9, GFR 12। हर अगर आपके पास टेबल पर एज ए DDO जनरल फाइनेंशियल रूल्स, रिसीट एंड पेमेंट रूल्स और DDO मैनुअल, ये 3 चीज़ें हैं जो पढ़ी होनी चाहिए, रखी होनी चाहिए। DDO मैनुअल अगले जो क्लास होगा उसमें बता दूंगा मैं, और उसी को ही पढ़ाऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। बिलों पर प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो, ये नहीं कि आप कार्टेज खरीद रहे हैं और उसको ओई जनरल में बुक कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ खरीदी जा रही है जिस आवश्यकता से खरीदा रही है उसी के अनुरूप हेड भी बनाए गए हैं। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से व्यय करना है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से व्यय करें, ऐसा ना हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप RO का पेमेंट कर रहे हों, तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेड से करना है। ऐसा ना हो कि TA बिल का पेमेंट आप सैलरी हेड से करना शुरू कर दें, DT8 बना हुआ है उससे खर्च करने हैं। तो प्रॉपरली मेंटेन करना, प्रॉपरली क्लासिफिकेशन बिल्स होना जरूरी है। और हर बिल पर प्रोग्रेसिव लिखा जाता है कि पिछले बिल तक आप इतना खर्च कर चुके हैं, अब इतना खर्च करेंगे, इतना बचा है। इसकी एक स्टैंप लगती है, हर बिल में लगी होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव कंपलसरी होता है, ये होना चाहिए। और भी बताया है कि मेंटेनेंस ऑफ द पेबल रजिस्टर मस्ट। आपके पास अगर कैश आता है, आपके किसी डिपार्टमेंट में आता ही है, छापा पड़ता है, छापे डाले, रेट डाले, पहले तो होते थे। जब आप एक कैश किसी भी फॉर्म में आया किसी भी तरीके से, तो आपके यहाँ एक जो है कैश चेस्ट होना चाहिए जिसको दीवार से जड़ा हुआ होना चाहिए। उसके नॉर्म्स हैं 3x2 या 2x3 की तिजोरी, वो होना बहुत ज़रूरी है। वो हो, वो DDO के कमरे में ही होती है। और DDO का हेड ऑफ ऑफिस अगर के कमरा छोटा पड़ा है तो हेड ऑफ ऑफिस कोई और है तो हेड ऑफ ऑफिस के कमरे में अटैच होनी चाहिए। 2 लॉक्स ऑफ डिफरेंट पैटर्न के 2 ताले होते हैं इसमें, और दोनों की चाबियाँ, एक चाबी आपको रखनी है एज ए DDO, एक चाबी हेड ऑफ ऑफिस के पास रहेगी, और उसकी डुप्लीकेट चाबी आपको जो है संबंधित बैंक के पास रखवाएंगे, बैंक के पास होनी चाहिए। जब भी आप तिजोरी खोलेंगे कैश ड्रॉ कर निकालने के लिए, तो आपको दोनों की लगना जरूरी है, दोनों का मौजूद होना जरूरी है तिजोरी के सामने। डुप्लीकेट की रजिस्टर शुड बी मेंटेन इन अप्रैल एवरी ईयर, की मस्ट बी सेंट टू फॉर एग्जामिनेशन, हर में साल चेक होनी चाहिए। आज तो कैश का जमाना चला गया, आपके ऑफिस में जनरली एक ही ऑफिस डील करता है, बाकी जगह कैश चेस नहीं है। पहले जब हम सैलरी वगैरह लाते थे बल्क के बल्क, तब कैश चेस में रखा करते, तब के लिए ज़्यादा जरूरी था। लेकिन अभी जब कहीं देख लिया आपने कहीं से कैश सीज किया हुआ है और ला के रखना है, बैंक बंद हो चुका है, तो आप उसको चेस में ही रखेंगे और यही चीज़ें फॉलो करेंगे। अभी मैंने बताया था कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करने हैं प्रॉपरली, चेक इशू रजिस्टर इन फॉर्म GR 4, रजिस्टर वैल्यूबल इन फॉर्म 5। ये आपको GFR क्लास में सारे कई 50 फॉर्म है, 50 नाम है, वो फॉलो करना। ये मेन फॉर्म है जो आपको मेंटेन करने हैं, GR 4, 5, बिल रजिस्टर 9, पे बिल रजिस्टर 17, TA बिल रजिस्टर, TA बिल फॉर्म GR 14, ये सब चीज़ें हमें आपको फॉलो करना है। नाउ इफ यू परमिट आई कैन सी यू, थैंक यू। I take a 5-minute rest. Any question, any doubt? This time you are free to ask, or any time you are free to ask. कभी भी पूछ सकते हैं। मैंने आपके यहाँ JDO में कानपुर में भी रहा हूँ 2011 से 2014 के बीच में JDO में, तो आपके यहाँ कार्य प्रणाली से आप लोगों से भली भांति परिचित हूँ।
इसलिए आप लोग कभी भी किसी भी समय किसी भी समस्या के लिए जितना मुझे आता है मैं आपको बताने को तैयार हूँ, नहीं आएगा हायर अथॉरिटी से पूछ लूँगा। काम जब भी करिए विद इन एमिट अप्रूव करिए।